हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आपको बताने वाले हैं ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में, जो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी की तरफ से आ रही है। और इसमें बहुत सारी कंपनी की नोटिफिकेशन ऐसी है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, बट अभी उसमें टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिएगा। और अगर वीडियो पे आप नए हो या चैनल को पहली बार व्यू कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको जो भी प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो वीडियो पे बने रहिए। और चलो देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी की तरफ से आ रही है और पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहली जो नोटिफिकेशन आ रही है, हायरिंग चल रही है अभी मार्केल कंपनी की तरफ से आ रही है। ये अभी इंटर्नशिप के लिए हायरिंग होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और ये जो इंटर्नशिप की लोकेशन होने वाली है, ये पुणे होने वाली है। और इंटर्नशिप का फ़ायदा ये है कि आपको उस कंपनी में पीपीओ भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी जिसको ट्रेन करती है उसको पीपीओ देने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है, ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो जिसको ट्रेन कर रही है, आफ्टर सम टाइम जब उसे पीपीओ मिल जाता है उसे ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यही फ़ायदा होता है कंपनी का भी और क्लाइंट का भी। तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये भी पुणे लोकेशन के लिए होने वाली है। तो कौन कौन से बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या रिक्वायर स्किल है? तो अगर आप ग्रेजुएट बीएससी, बीटेक या बीसीए वाले ब्रांच से है तो आप अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएससी वालों के लिए भी, बीटेक वालों के लिए भी और बीसीए वालों के लिए भी। यहाँ 0 से 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जो फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो यहाँ सब कुछ क्वालिफिकेशन में इन्होंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन करके सीधा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे सारी डिटेल चेक करके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी हेल्प की जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब। नेक्स्ट जॉब जो आ रही है ये लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आ रही है, ये क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट के लिए हायरिंग हो रही है, जो मोंगो डीबी कंपनी अभी हायर कर रही है। जो जॉब की लोकेशन होने वाली है ये बेंगलुरु होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये फुल टाइम जॉब होने वाली है। और ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कीजिएगा, सिंपल सा फॉर्म खुलेगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी आप व्यू कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल डाल रखी है, कैसे क्या है, मोंगोडीबी कंपनी कैसी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है वैसे। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब। नेक्स्ट जॉब जो आ रही है वर्ड टॉन कंपनी की तरफ से आ रही है, यह डाटा इंजीनियर सपोर्ट के लिए हायरिंग हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी बल्क में हायरिंग हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो हायरिंग है काफ़ी बल्क में होने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो C++ रिक्वायर है। यहाँ पे अगर आपको C++ आती है तो आपके लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मस्ट बोल्ड रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आपको सी आनी चाहिए, C++ आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए। इन्होंने यहाँ बोल रखा है कि C++ रिक्वायर ही, C++ आपको आनी ही चाहिए। तो ये बैचलर डिग्री के लिए होने वाली है, टेक्निकल और क्वांटिटेटिव फील्ड के लिए। यहाँ पे आपको यूनिक्स लिनक्स भी रिक्वायर है और C++ भी रिक्वायर है। पैशन फॉर डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस इन ए प्लस। कैंडिडेट नीड नॉट हैव पीरियड एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। तो अप्लाई फॉर दिस पोजिशन पे क्लिक करके अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेटा इंजीनियर सपोर्ट के लिए। और जो नेक्स्ट जॉब आ रही है वो सिस्को कंपनी की तरफ से आ रही है। तो सिस्को कंपनी ने अपने करियर पेज पे इसे रिलीज किया है, तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इंटर्नशिप के लिए हायरिंग हो रही है। तो अभी ये इंटर्नशिप होने वाली है टेक्निकल इंटरेस्टेड और बेंगलुरु लोकेशन के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे वो जॉब डिस्क्रिप्शन, वी आर इन्वेल्टर, वी आर एसिलेटर, सब कुछ इन्होंने बता रखा है। और इन्होंने यहाँ पे बताया हु कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। करंटली परस्यूइंग ए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस, जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस और CSIT है, वही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो CGPA मेंशन किया है वो 8.0 CGPA होने चाहिए आउट ऑफ 10। और कौन कौन से बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2022 पास आउट वाले केवल अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, बोलने में भी लिखने में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए तो काफ़ी। और यहाँ पे पाइथन विथ ए फोकस ऑन ऑटोमेटेड टेस्टिंग, वर्चुअल इन्वायरमेंट, डॉकर, तो यहाँ सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। और 2022 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। तो काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन आया है सिस्को की तरफ से। बीच बीच में सिस्को जॉब की नोटिफिकेशन देता रहता है। तो अभी फिर से ये कही है जो अभी मैं आप सबको बता रहा हूँ, तो अप्लाई कीजिएगा। और अभी मैंने जॉब से रिलेटेड और भी वीडियो बना रखा है चैनल पे, तो चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा। वहाँ बहुत सी कंपनियों के लिंक अभी एक्टिव हैं। और अभी मैंने पिछली बार अभी कल में एक वीडियो बनाई थी, उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो उसमें कमेंट में उन्होंने बताया था कि वो जॉब के लिए जो फॉर्म ओपन हो रहा है उसे फिल कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे लिख के आ रहा है कि लिमिट ओवर हो गई है। तो ऐसा होता है कि कंपनी वहाँ पे एक लिमिट क्राइटेरिया लगा के रखती है, इतने नंबर आप स्टूडेंट ने अगर अप्लाई कर दिया है तो जब लिमिट ओवर हो जाती है तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जैसे ही वीडियो आप देख रहे हैं तुरंत आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लिमिट से ओवर हो जाए तो आप अप्लाई ना कर पाएँ और आपसे आपके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो जल्दी से अप्लाई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करें। नहीं तो अगर आप लेट हो जाते हो तो आप इस जॉब के लिए फिर एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो वहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कंपनी के। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है। नेक्स्ट जॉब जो आ रही है डेसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे जावा डेवलपर पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है। तो इमेजिन एन हॉरेंस ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम, यू विल बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की रखी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्या पोजीशन आपकी होने वाली है और आप कौन से बैच वाले। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है योर की सक्सेस फैक्टर, फ्रेशर बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस और आईटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। डीप नॉलेज इन कोर जावा, यूनिक्स कमांड, XML, YAML, ETC में होनी चाहिए। एक्सीलेंट ट्रबल शूटिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। तो गुड टू हैव नॉलेज ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी लाइक AWS, GCP, इक्विवेलेंट आर, इन सब में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अप्लाई पे क्लिक करके एक सिंपल सा फॉर्म खुलेगा, आप वहाँ से आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम तब भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यहाँ पे फुल टाइम जॉब होने वाली है और जो जॉब की लोकेशन होने वाली है वो पुणे होने वाली है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब। नेक्स्ट जॉब जो आ रही है एस्टॉम कंपनी की तरफ से आ रही है और यहाँ पे अभी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है। और जो जॉब की लोकेशन होने वाली है वो बेंगलोर होने वाली है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग यहाँ सब कुछ इन्होंने दे रखा है, सारी डिटेल यहाँ बता रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ओपन करके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे तो सारी डिटेल को आप पढ़ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस CDS, लॉन्ग विथ फॉलोइंग एक्सपीरियंस स्किल होना चाहिए, मिनिमम 0 to 2 एक्सपीरियंस इन रेल सिग्नम डोमेन और फ्रेशर। तो यहाँ पे 0 से 2 एक्सपीरियंस बोल रखा है, इसका मतलब है कि आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो। और बी बी टेक और यहाँ पे सब कुछ मैंने बता ही दिया है कौन कौन से बैच वाले एलिजिबल होने वाले हैं। बिहेवियर कंप्यूटेशन एलाइंग, क्विक लर्निंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश रीड राइट। और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, MS ऑफिस एक्सपीरियंस मैंने बता ही रखा है। और जो जॉब की लोकेशन होने वाली है ये बेंगलुरु होने वाली है। और यहाँ पे ट्रेवल मोस्टली नॉन ऑफ वेरी रेयर, बहुत रेयर और मोस्टली नन के बराबर है, आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, तो वर्क फ्रॉम होम होगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो नेक्स्ट जॉब आ रही है गो गार्जियन की तरफ से आ रही है। गो गार्जियन अभी फुल स्टॉक डेवलपर पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहा है। तो जॉब की लोकेशन होने वाली है बेंगलुरु होने वाली है और ये फुल टाइम जॉब होने वाला है।
इस पे कौन कौन से बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2020, 2021, 2022 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ पे इन्होंने CGPA मेंशन किया है वो 7.0 से अबव होना चाहिए। अगर आपकी CGPA 7.6 कम है तो आप इस जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 0 से 2 इयर्स का मांगा है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे की टेक्निकल स्किल जो इन्होंने रिक्वायर की है, जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, HTML आनी चाहिए, CSS, React, JS, Node.js, इन सब की बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। आप टेम्पलेट बनाना है, वेबसाइट की बेसिक चीज़ों कैसे बनाते हैं वो सब आना चाहिए। और ट्रेनिंग पीरियड में आप सबको बता दिया जाएगा एडवांस लेवल पे कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब फुल स्टॉक डेवलपर की होने वाली है। और यहाँ पे जो CTC होने वाली है 5 to 6 LPA की होने वाली है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है, SCL की तरफ से आ रही है। SCL इज हायरिंग फ्रेशर BTech, MTech, BEME पोजीशन के लिए हायर कर रहा है। जो BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, ME कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है, आप फिल कीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, 10th पर ग्रेजुएशन परसेंटेज, कॉलेज का नेम, कॉलेज डिग्री कौन सी है, कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिटेल भी आप फिल कर सकते हो। तो सिंपल सा फॉर्म है, अप्लाई कीजिएगा। SCL काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने निकाला है अभी। चलो देखते हैं जो DBS कंपनी है, मैंने DBS कंपनी के बारे में इसके पहले भी वीडियो में बता रखा है, बट अभी टाइम है तो आप अभी आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे एक चैलेंज होने वाला है, हैकाथॉन चैलेंज चलने वाला है, जो हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका एक असेसमेंट होगा, टेस्ट होगा, अगर उसमें आपका एक डिसेंट स्कोर आता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे। तो आपको नेक्स्ट राउंड देने का मौका मिलेगा और यहाँ पे आप प्राइज भी जीत सकते हो, काफ़ी अच्छी है, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिएगा। जो नेक्स्ट जॉब आ रही है, डियर कंप्यूट 2 की तरफ से आ रही है। डियर कंप्यूट ये IT प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन भेजती रहती हैं। तो यहाँ पे भी एक हायरिंग होने वाली है, जो अभी चैलेंज होगा, डाटा इमेजिनेशन चैलेंज 2021 डेटा साइंस, जो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ये 12 दिसंबर तक चलेगा। तो अभी काफ़ी टाइम है, तो ये अभी चल ही रहा है, लाइव है। और यहाँ पे कौन से एलिजिबिलिटी क्या है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, MBA स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट, कॉपरेट, यहाँ पे सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डाटा इमेजिनेशन चैलेंज हो रहा है, तो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की रखी है, सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है, कैसे क्या करना है, पार्टिसिपेट फॉर फॉलो स्टेप, पहले स्टेप में आपको सिंग अप करना है, रजिस्टर फॉर इमेजिनेशन चैलेंज के लिए रजिस्टर करना है, फिर किक स्टार्ट योर जर्नी आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ट्रैक क्या है, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होने चाहिए, आर करेंटली एक्टिव फुल टाइम स्टूडेंट, हैव कंप्लीटेड 10+2 स्कूलिंग आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल मेंशन कर रखी है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप यहाँ पे हेल्प सेंटर पे जाके मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सारा प्रोसीजर इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो रजिस्टर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी हायरिंग होने वाली है यहाँ से भी। अभी ये चल रहा है, 4 days to left। और यहाँ पे MCAT के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस हायरिंग होने वाली है। तो यहाँ पे अपना बेसिक फिलिंग इंफॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, 10th परसेंटेज, यहाँ पे सब कुछ फिल करके आपको सबमिट कर देना है। MCAT काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आती रहती हैं हायरिंग के लिए और सीधा बच्चों की हायरिंग यहाँ से हो जाती है। तो यही कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही थी कंपनी की तरफ से, जो मैंने आप सबको बता दिया है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हो पाए। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।